देश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते जगह जगह ध्वजारोहण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह का कार्यक्रम घोड़ा कॉलोनी में स्थित लवी मॉडर्न स्कूल में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद के बैनर तले बड़े ही धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट अजय अग्रवाल रहे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास गुप्ता, आलोक अग्रवाल के साथ आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिसमें कि सभी अतिथियों को संस्था का प्रतीक चिन्ह देकर वह शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। आप स्वयं इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चों ने कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाते हुए कितने खूब तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे कि कार्यक्रम में चार चांद लग गए। स्वतंत्रता दिवस जो है ये बहुत बड़ा एक समारोह है और देश का में सबसे प्रमुख रूप से ये समारोह सब जगह मनाया जाता है, और जो स्कूल के बच्चों में जो देशभक्ति की भावना इससे जागृत होती है, तो ये स्कूल जो है हमेशा हर साल मनाता है, और जो यहाँ के बच्चे हैं ये भी इनके अंदर काफ़ी देशभक्ति भावना है, समय समय इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो मैं सभी बच्चों को इस मामले में इसमें अवसर पर बधाई देता हूँ और देश की सभी जनता को बधाई देता हूँ। स्कूल के सभी जो प्रबंधक हैं, जो आयोजक हैं, श्री रामनिवास गुप्ता हैं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, देश तो प्रगति की ओर है और इस वक्त देशभक्ति की भावना सभी में हर व्यक्ति के अंदर जगी है और हर व्यक्ति इसीलिए काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये भारत जो है वो सिरमौर बनेगा पूरे विश्व का, और एक अग्रणी देश के रूप में उभरने वाला है, एक पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला है। मैं रामनाथ गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद के बैनर तले ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है लवी जूनियर हाई स्कूल तथा लवी मॉडर्न हाई स्कूल द्वारा। तो मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि दोनों स्कूलों के बच्चों ने, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने बहुत बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं, बहुत अच्छे नाटक प्रस्तुत किए हैं, जिनसे कि समाज के लिए काफी प्रेरणा मिली है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों के लिए, सभी छात्रों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम हमारे लिए सफाई बहुत जरूरी है, तो हमें जो कहीं भी गंदगी नहीं करनी है, हर जगह सफाई का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को, अपने भाइयों बहनों को, सबसे मेरा जो पहला मैसेज है वो यही है कि तो भाईचारे से इस देश में एकता बना के रखनी है, हर चीज को बड़ी पोलाइटली एक तरीके से, किसी भी चीज को, कोई भी हमारे इश्यू है उन सबको बड़े तरीके से सेटल डाउन करना है। एक बहुत ही उमदे तरीके से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पेश किया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कार्यक्रमों में सक्रिय अपनी भूमिका निभाई है, ये भी बहुत अच्छा है। बच्चों ने जो छोटे छोटे बच्चों ने प्रोग्राम किया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है लवली पब्लिक स्कूल में, और इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा है, बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करा है, और मैं चाहता हूँ बच्चे सब अच्छा काम करें और देश की उन्नति में अपना सहयोग करते रहें। भाई, मेरा बच्चों का यही संदेश है कि जो स्कूल की अच्छी शिक्षा है, जो चारित्रिक शिक्षा है, जो जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं गलत कुछ में, तो जो अभी बचपन से हम उन्हें सही से सिखाते चलेंगे, सही शिक्षा देंगे, तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों का आत्मसात करेंगे और उनको अपने बड़े होने के बाद अपने व्यवहार में लेके आएंगे। पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, पांचवी क्लास के बच्चे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, देशभक्ति के कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत है। इसी के साथ विवेक विहार आरआर डिपो में एमसीटी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ओम प्रकाश शर्मा के साथ कार्यक्रम आयोजक संजय गहलोत रहे। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में आजादी को लेकर उत्साह है। हो भी क्यों ना, इस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं? यही दिन तो है जिसके कारण आज हम आजादी से सांस ले सकते हैं। विधायक की माने तो वाकई यह दिन हमारे लिए वरदान है। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। स्वतंत्रता दिवस की सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस जिन लाखों वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ, आज के दिन हम उनके चरणों में नमन करते हैं और आने वाली पीढ़ी को ये भार सौंपते हैं कि ये देश सुरक्षित रहे और विश्वगुरु बने। संदेश यही है कि आने वाले वक्त में भारत विश्वगुरु बने। कार्यक्रम है, अच्छा व्यवस्थित कार्यक्रम है, और वास्तव में अपने स्वच्छता कर्मचारियों की तरफ से किया गया कार्यक्रम सराहनीय कार्य है, जो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। हमारे विधायक जी ने बोला है कि हमारी इच्छा है कि हमारा भारत देश
फिर से विश्व गुरु बने और उसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। हमारे सभी कर्मचारी भी, अधिकारी भी और हम सभी भी प्रयासरत रहेंगे हमारा भारत एक बार को फिर से विश्व गुरु बनकर उभर कर आए। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। और ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। देश के सैनिक जिस तरह अपनी सीमाओं पर लगे हुए हैं उसी तरह से हमारे सदस्य स्वच्छता के लिए कर्मचारी ये भी सैनिक की तरह अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। ना तो धूप देखते हैं, ना छांव देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना तूफान देखते हैं। अपने काम को तत्परता से करते हैं और देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देते हैं। इसके साथ साथ मैं इन सभी कार्यों को सलाम करती हूँ कि वो अपने कार्यों को अपनी तत्परता से करते हैं और देश भक्ति कहीं ना कहीं इनमें झलकती है। सभी क्षेत्रवासियों को और साथ में हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के सभी सदस्यों को बधाई दूंगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज हम अपने इस देश को अपने स्वच्छ रख पा रहे हैं। जैसे जैसे हम समझते हैं कि जानते हैं जिस तरह से हमारे कितने महान विभूतियाँ जो कि शहीद होगी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गुरु सुखदेव और राजगुरु और महात्मा गांधी, अनेकों अनेक महान विभूतियाँ शहीद होगी अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराने के लिए। ऐसे ही हमारे जल सेना, थल सेना, वायुसेना के जो सैनिक 1947 के बाद में शहीद हुए, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ में जो इस समय चारों ओर से क्षेत्र के सुरक्षित लोग सुरक्षित रहे, हम अच्छे से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर पाए, हम खुशी से रह पाए, शांति से रह पाए, उन सभी सैनिकों को मैं वंदन करता हूँ और साथ में अपने सभी स्वच्छता के सैनिकों को भी वंदन करता हूँ। आज स्वतंत्र दिवस के मौके पर 72वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन जो आज पूरी दिल्ली नगर निगम में जीत कर आई हुई यूनियन है, उनके कार्यकर्ताओं पदाधिकारी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। इसमें केवल और केवल हम सरकारें जो हैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि देखिए हमें आज़ादी तो मिली 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से मिली, लेकिन अभी मानसिक रूप से हम लोग पीड़ित हैं, गुलामी के जंगलों में जकड़े हुए हैं। जहां तक सफाई मजदूर की अगर बात करें, हम लोग अपने खून पसीना बहाकर सड़कों पर सफाई करते हैं, धरती माता का श्रृंगार करते हैं उसमें जुट के, लेकिन दिल्ली की हालत देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी आज ऐसी व्यवस्था है कि वेतन सेवा नहीं मिल पाता है, हमारे पास कोई मेडिकल सुविधा हमारे पास नहीं है। इस अवसर पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम करावल नगर ईस्ट के पार्षद पुनीत शर्मा ने भी निगम विद्यालय में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर स्कूल के समस्त स्टाफ के साथ गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रगान के साथ देश के वीर शहीदों की शहादत को याद करते हुए देशभक्ति के नारे लगाए। तेज निगाह चैनल भी उन शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता है। संदीप कुमार के साथ चेल्सी रघुवंशी, तेज निगाह दिल्ली।